डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की कवायदे जो पिछले एक अरसे से चल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसे ताजा राजनीतिक हालात धराशायी कर देंगे। विपक्ष एकजुट होने से पहले ही बिखर जाएगा। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में एकजुट होने के बजाय एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है, उससे तो यही नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। केसीआर से लेकर नीतीश कुमार तक, तेलंगाना से लेकर बिहार तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और लालटेन से लेकर तीर तक, सब एक होने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तीर और लालटेन सफल भी हुए हैं, लेकिन यूपी में माजरा मजेदार हो गया है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लगता है कि विपक्ष की एकजुटता की मुहिम यूटर्न लेकर घर लौट जाएगी। वैसे अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि सियासत में यूटर्न और गुलाटी सियासतदानों की पहली योग्यता होती है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक बिसाते बिछाना अभी से शुरू कर दिया गया है। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद भी जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये संभव होता नजर नहीं आ रहा। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और इस यात्रा में सम्मिलित होने का न्योता विपक्षी दलों को भी दिया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन उनके सम्मिलित होने पर अभी भी संशय बरकरार है। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनिए अखिलेश का ये बयान जिसने राहुल को हलकान किया। अखिलेश ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाएंगे, हमें न्योता नहीं मिला, कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है। मोबाइल पे अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दे जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश के इस बयान पर रिएक्शन में राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को लपेट दिया। उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की कोई राष्ट्रीय विचारधारा ही नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजिशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें। बदजुबानी के लिए मशहूर हो चुका समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल एक्टिव हो गया। एक के बाद एक ट्वीट दागने शुरू कर दिए। ट्वीट आप खुद ही पढ़ लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस और भाजपा पर एक होने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उस पलटवार का समाजवादी पार्टी ने अपने ही तरीके से जवाब दिया। विचारधारा को लेकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति की तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं और शिवपाल सिंह यादव ने भी इस यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन रही बात विचारधारा की या रही बात एकजुटता की, तो कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि 3 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और समाजवादी पार्टी ने शुभकामनाएँ तो दी हैं, लेकिन इस यात्रा में सम्मिलित होने की बात अभी कोसों दूर नजर आ रही है। फिलहाल तो शीतलहर के दौरान जारी कांग्रेस और सपा के इस शीत युद्ध में शिवपाल की एंट्री हुई है। शिवपाल राहुल की तारीफों के पुल बांधकर डैमेज कंट्रोल के लिए जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर राहुल ने अच्छा काम किया है, लेकिन यात्रा में वो शामिल होंगे या नहीं इसका फैसला उन्होंने पार्टी यानी अखिलेश यादव पर छोड़ा है। जो उन्होंने भारत जोड़ो तो ये अच्छा काम किया है और आगे देखिए हमारे पार्टी का जो भी आदेश होगा तो उस पर हम लोग चलेंगे। फिलहाल कल यानी 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दाखिल होगी। सपा को यात्रा में शामिल होने का न्योता मिल चुका है, जिसके बाद अखिलेश ने पत्र के जरिए धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित कर फॉर्मेलिटी अदा की है। लेकिन अब देखना अहम होगा कि इस तनातनी के बीच अखिलेश भी यूटर्न लेकर यूटर्न लेती विपक्षी एकता को रोकेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डेली इनसाइडर।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।